अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हिफ्ज़ कुरान और मेरी स्टडी रूटीन के हवाले से पूछा था, तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है टेस्ट के लिए और उसका प्रोसीजर क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके मेरिट के अंदर। तो जब आप अपना एमडीकैट दे चुके होंगे उसके बाद यूएचएस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक शेड्यूल अपलोड करेगा जिसके अंदर पूरा एक पैटर्न होगा कि क्या डेट्स हैं अप्लाई करने की और क्या डेट्स हैं हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट की। तो आपने जब आप उसको अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर स्टार्ट के अंदर ये एक ऑप्शन होगा हिफ्ज़ कुरान का, आपने वहाँ पर यस पे टिक कर देना है। जब आप यस पे टिक कर देंगे उसके बाद बाकी फॉर्म आपने सिंपली फिल करना है। उसके अंदर आप अपने मैट्रिक एफएससी का रिकॉर्ड डालेंगे, अपने नाम, फादर नेम, सीएनआईसी एक्सेट्रा, हर चीज़ जैसे आप नॉर्मली फॉर्म फिल करते हैं। सारे फॉर्म फिल करने के बाद एंड के अंदर एक सेगमेंट होगा जहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो उधर एक ऑप्शन आपके पास ये भी होगा जहाँ आपने अपने हिफ्ज़ कुरान का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो जो लोग हाफ़िज़ कुरान हैं उनके अप्लाई करने और नॉर्मल स्टूडेंट्स के अप्लाई करने में सिर्फ दो चीज़ों का फ़र्क है। एक ये कि उन्होंने हाफ़िज़ कुरान वाले पोर्शन के अंदर टिक पे सिलेक्ट करना है, यस पे सिलेक्ट करना है, और दूसरा उन्होंने अपना हिफ्ज़ कुरान का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों के बाद जब आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद जब अप्लाइंग डेट्स ख़त्म हो जाएंगी तो यूएचएस आपको कॉल भी करेगा, आपको ईमेल भी रिसीव होगी यूएचएस की तरफ से और आपको बताएंगे कि आप फलां डेट को आके टेस्ट दें। तो उस डेट को आप लाहौर जाएं यूएचएस के ऑडिटोरियम के अंदर, वो आपको बिठाएंगे, आपको 8 बजे बुलाते हैं और आप 8 बजे ही जाएँगे। आप 8 बजे वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स बैठे होंगे एक ऑडिटोरियम के अंदर, और सबसे पहले वो आपको एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट करते हैं क्योंकि उस दिन तकरीबन 100 से 150 बच्चों का आपके साथ टेस्ट होना होता है। तो आपका कोई स्पेसिफिक नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 40 है, 50 है, कोई भी हो सकता है, वो आपको अपना नंबर आपको बता देंगे आपके नाम के ऊपर। उसके बाद वन बाय वन वो आपको बुलाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। आपने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स पे लेके जाने हैं। मेनली दो चीज़ें आपकी देखते हैं, एक आपका सीएनआईसी या आपका जो बे फॉर्म है और दूसरा आपकी जो सर्टिफिकेट है आपका हिफ्ज़ कुरान का। ये दो चीज़ें आपकी देखेंगे। इस वेरीफिकेशन के बाद फिर वो आपको वन बाय वन टेस्ट के लिए बुलाएँगे। जब आप टेस्ट देने के लिए जाएँगे वहाँ पर हर बच्चे का अलग अलग टेस्ट होता है। एक बच्चा बारी बारी रूम में जाएगा, उस रूम के अंदर 3 एग्जामिनर्स होंगे। हर एग्जामिनर आपसे दो दो सवाल पूछेगा। पहला एग्जामिनर पहले 10 पारों से पूछेगा, दूसरा एग्जामिनर दूसरे 10 पारों से और तीसरा एग्जामिनर आखिरी 10 पारों से पूछेगा। तो अब अगर हम हाफ़िज़ कुरान के टेस्ट की डिफ़िकल्टी के हवाले से बात करें तो उसमें ये है कि मेनली डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर कैसा है। आमतौर पर जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो आपसे रुकू, सूरत या फिर सिपारे के स्टार्ट से सुनते हैं, लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि वो कुछ मुश्किल जगह से या कुछ दरमियान से भी सुन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे से अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो 4 जो जगह से पूछा गया वो सूरत के स्टार्ट था और रुकू का स्टार्ट था, लेकिन एक एग्ज़ामिनर ने मेरे से आयत के दरमियान से भी पूछा था। तो वैसे तो ऐसा कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता, और ये भी नहीं है कि अगर आपकी एक आधी गलती आ जाए तो आप परेशान हो जाए। मेरी अपनी एक गलती आई थी लेकिन इसके बावजूद मेरे पूरे नंबर लग गए थे। तो बेसिकली वो जनरली यही देखे होते हैं कि इसको आता है या नहीं आता। वो आपके हर जगह से शुरू की 4-5 आयत सुनते हैं, ज़्यादा भी नहीं सुनते, और जनरली आइडिया लेते हैं कि इस बच्चे को कुरान आता है या नहीं आता, ये बोल तो नहीं चुका, तो बस उन्हें ये एक जनरल आइडिया लेना होता है। तो इस हवाले से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, क्या होगा। हाँ, इसकी आपने तैयारी ज़रूर करनी है। जब आप एमडीकैट दे चुके होंगे ना, उसके बाद आपके पास एटलीस्ट महीना होगा इस टेस्ट से पहले, तो आपने उस महीने को यूटिलाइज़ करना है और अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है कि यार आज मैंने डेट्स वाला तैयार करना है या दोस्त वाले करने हैं। आप उसको प्रॉपर ले कर चलें और उस टाइम के अंदर अपना कुरान को रिवाइज़ करें और प्रॉपरली वहाँ जा कर टेस्ट दें, और इंशाल्लाह आपके इजीली जो हैं वो 20 मार्क्स लग जाएंगे। बेसिकली जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो 20 हैं या 0 हैं। अगर
आपको पास कर देगा तो आपको 20 मिल जाएंगे, अगर आपको फेल कर देंगे तो ज़ीरो हो जाएंगे, दरमियान वाले कोई मार्क्स नहीं होते। तो इसलिए भी ज़्यादा ये नहीं होता कि अगर आपकी अगर गलती आए तो उस पर कोई ज़ीरो नंबर नहीं देगा आपको, वो आपको पूरे नंबर दे देते हैं। तो जब आपका मेरिट बनेगा ना तो ये 20 नंबर्स आपके ऐड अप होते हैं और ओवरऑल मेरिट के अंदर 0.8% का इजाफा हो जाता है, और ये 0.8% बहुत होता है। शायद अभी आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए कम्पीट कर रहे होंगे उस टाइम 0.1 से भी बच्चे रह रहे होते हैं, तो उधर 0.8% का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 93% अगर आपका मेरिट था पहले, तो हाफ़िज़े कुरान के टेस्ट के बाद अगर आपके 20 मार्क्स लग जाते हैं तो आपका मेरिट 93.8 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.8 बढ़ जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा तो आप इससे लगा सकते हैं कि ओवरऑल मेरिट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा।